पेपर में आएगा, ओम लॉ इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोला जाता है इसे, ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख लेना इसके ऊपर। तो ओम लॉ वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये देखो जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जे का मतलब वेक्टर फॉर्म में करंट डेंसिटी है, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूर दूर तक लग भी नहीं रहा ओम लॉ है ये, देखो लगेगा अभी कैसे। ओम लॉ होता क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, आर क्या होता है वी बाय आई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट और एरिया एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, करंट बाय एरिया क्या है जे, वन बाय रेजिस्टिविटी क्या है कंडक्टिविटी, वी बाय एल क्या है ई, वेक्टर लगा लेंगे आंसर हो गया प्रूफ। तो ओम लॉ ही निकला बीच में से। चलो मान लो मैं पेपर में भूल गया, मुझे याद ही नहीं इसको कैसे करना था, तो फिर एक शॉर्टकट है, ये बताना नहीं सिर्फ साइड में हरफ कॉपी में लिख लेना है। क्या प्रूव करना है, जे सिग्मा इन टू ई, तो जे का मतलब करंट बाय एरिया, सिग्मा का मतलब वन बाय रो, और ई का मतलब वी बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो एल और एरिया को एक तरफ, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई ओम लॉ। रफ में लिख लें फिर उसको उल्टा लिख देना पेपर में, ये लिखना फिर ये लिखना फिर ये लिखना फिर ये लिखना और फिर ये लिखना, आंसर आ गया, तभी लिखा हुआ है साइड पे मैंने, सही है। तो ओम लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया, हो जाएगा प्रूव ये ठीक। रेजिस्टेंस